ये चाचा हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में ठहरना चाहते हैं। ठहर जावा तो हर वास्ते हमारे घर वास्ते बस अलग हो। अच्छा पहले थोड़ा यही खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसा तुम्हार मर्जी, मगर खड़े खड़े का है, बैठ अच्छा से बात करो। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ही अच्छा लगता है। खैर सुनिए, आपको मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दूसरा नबी इस दुनिया में आया है जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देता है। अरे का कह चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसे कोई नया नबी आई, वो नबी तो आखिरी नबी बा। अफसोस है कि आपको मालूम ही नहीं, क्या किसी ने बतलाया ही नहीं? अरे ये बतलाने का क्या बात है, हिसाब होते हैं क्या? हमार मौली साहब जुमा में यही बयान किया, और हमार मौली साहब बयान करत रहे कि हमार ईमान की बात बा, और हमार बाबा और चचा से भी हम यही सुनत रहे। देखो चचा, सोचो दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना? हाँ आए हैं, तो सुन लिए कि 124,000 आए हैं। ठीक इसी तरह एक नबी नया आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है, सच्चाई का रास्ता दिखाता है, फिर वो एक नबी चला जाता है तो कौम बिगड़ जाती है, फिर अल्लाह ताला दूसरा नबी भेजता है जो लोगों के ईमान को सही करता है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद और मुस्लिम में बिगाड़ आ गया है, तो अल्लाह ने एक नबी भेजा है। अरे भैया वो नबी कहाँ बा जो अभी नवा नवा आए हैं? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया है, अब उनका दीन जिंदा है। अरे भैया जब वो नबी मर गए तब ओके मान के का हुई, अब कोई नवा नबी आई है तब तो हमका बता दी, हम वो नबी से जरा बात करी। का बात है चाचा, ये साहब कौन है और कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बाबू आप तू ही पूछ लो, ये साहब कहाँ से आए हैं? ऐसे ये साहब हमारे मेहमान था, आप ये साहब हमारे घरे रहे जी। फरमाइए आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गौरपुर जिला का रहने वाला हूँ, मेरा घर कादियान में है, मेरा नाम गौर कादियानी है, मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत को पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी आ सकता, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातून नबी क्यों कहा गया? हैरत है कि आप इंजीनियर होकर इस तरह की खोखली बातें करते हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह ने हर जमाने में कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है? आज आप खुद देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है, क्या इस वक्त नबी की जरूरत नहीं थी? जरूर थी, इसलिए अल्लाह ने कादियान में एक नबी पैदा किया है। तो फिर खातून नबी की जो कुरान में लिखा हुआ है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नऊज़ बिल्लाह बेकार की बातें हैं, क्या उसका कोई मतलब नहीं? अगर उसका कोई मतलब है तो नए नबी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौहर, यू आर रॉन्ग, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जनाब गौहर साहब आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आयत बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि तमाम नबियों के सरदार और किंग है, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने ये मोहर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वो मेरे अंदर बिना के जारी होगी, डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी, यानी आपने अपने अंदर माता की में रखते हुए बाकायदा नबूवत की मोहर लगाई है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल की बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहे, और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातहत हो, और मातहत रहना ही आपके मन की दलील है। एक और बात सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आना है वो आपके मातहत ही तो आना होगा। जी हाँ अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ पे इससे मिलती जुलती बात है कि जब धर्म बढ़ता है और धर्म का अपमान होता है तो इसी धरती पर भगवान ब्रह्मा किसी मनुष्य के रूप में अपना रूप धारता है, प्रजा की सलाह किया जाता है, दुष्टों का सर्विनाश किया जाता है। आपने ठीक समझा, खातमुन नबियीन का मतलब एक और आपको समझा देता हूँ, जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में ये कहिए कि ये आखिरी इंजीनियर है तो क्या उसके बाद दूसरा इंजीनियर न होगा? होगा, जरूर होगा, मगर ये बात तालीम के तौर पर कही जाती है, इससे दूसरे इंजीनियर पर ठोक नहीं पड़ता। अच्छा गौर साहब आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई, अब आप उस नबी का तारुक यानी इंट्रोडक्शन कराए ताकि मैं कुछ सोच सकूँ। वो नबी आदमी साई रात रात इबादत करने वाला, रोने वाला, मुहद्दिस, मुजद्दिद, खुद अपने से लोग उनके दर पे आते और दुआएं लेकर जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस सजाब दावत नबी थे। तो हमें ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल आपके हाथ पे बात करता हूँ, रहीम चाचा आप भी बात कर लो। नहीं बबुआ, पहले हमारा पहले कंसल्ट के चाहिए, जरा मोहित साहब जरा पूछ लीजिए,
ناہید نانا کوئی خاص بات باقا ہے یا لگت ہے کہ انجینئر چچا کے رنگ رنگ بدل بات ہاں بیٹا کیا بات ہے صاحب آپ لوگ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال مکار زانی حرام پور کی بات تو نہیں کر رہے ہیں حمید میاں آپ کا زبان سنبھال کر بولنی چاہیے آپ پڑھے لکھے ہیں اور میں ان کو مان چکا ہوں چچا حیرت ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا کیا آپ کو پتا نہیں کہ مرزا کتنا بڑا کمینہ ہے اگر معلوم نہیں تو سنیے مرزا قادیانی انگریزوں کا کتا تھا ان کے ٹکڑوں پر پلتا تھا اسی کی گاتا تھا جس وقت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بنیاد پر فتوے کی بنیاد پر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمان جہاد کر رہے تھے اس وقت انگریزوں نے اس سور کو نبوت کا تاج پہنایا اور اس نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا آپ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے نا جا کر فوج ملن کی تاریخ میں دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب دیکھ کر ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جیسا کہ ان کا طریقہ تھا دے وائٹ اینڈ رول اس کے لیے لندن میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی نبی بنایا جائے تاکہ یہ جاہل مسلمان اس طرح جھٹ پڑے اس مشن کو لے کر انگریزوں نے مسلمانوں کو تیار کرنے کی کوشش کی مگر قربان جائیے مسلمانوں کی ایمان پر کہ ان لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم زمین بیچ دیں گے گھر بیچ دیں گے خاندان کو تاپ پر لگا دیں گے ہمیشہ کی طرح بیوی اور بیٹی تک کو قربان کر سکتے ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ ہمارے بس کی بات نہیں یہ تو اس نبی کی شان تھی جو 1400 سال پہلے تشریف بنائے تھے آگے وہ ہمیں انگریز لوگ اس کمبخت سے ملے اس نے دولت کی لالچ میں سب کچھ مان لیا اس تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس کو بڑے افسر کے پاس لے گئے تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ سلو کو پکڑ لائے ارے نبی کا چہرہ ہی کم سے کم ایسا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر ہزاروں جا قربان اور ہزاروں دل ایمان لے آوے جبکہ یہ شخص صرف کالیا ہی نہیں بلکہ کانا بھی ہے اس کی ایک بتی غائب ہے جب ہم ایک بلب والی گاڑی کو راستے پر چلنے نہیں دیتے تو اس کو کون چلنے دے گا اس کا تو ایک لائسنس ہی غائب ہے جب ایسی بات ہے تو یہ نبی کیسے بنا دیے گئے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے اسی طرح اسے بنایا گیا ارے چچا یہ شخص تو چھٹا ہوا بدماش چوٹا پکا زانی ایک نمبر کا جھوٹا تھا ہزاروں جھوٹ بول کر